समाजवादी पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और प्रवक्ता भी हैं पहले तो आपसे शिकायत ये है कि आप डिबेट में आना क्यों कम कर दिए या बंद कर दिए आ जाइए तो स्वागत है लेकिन आया करिए डिबेट में दूसरा ये इंडिया अलायंस बन रहा है और आपने कल एक स्टेटमेंट दिया था कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री पद के स्वाभाविक उम्मीदवार हैं अब ब्रिजेश जी मैंने ये कहा था कि जो भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होगा वो हम लोग आपस में बैठकर तय कर लेंगे अनिला जी ने वैसे हमारा प्रधानमंत्री बना दिया है ऑलरेडी तो इनको धन्यवाद क्योंकि इन्होंने कहा है कि हमारे पास प्रधानमंत्री है आ, दूसरी बात ये कि सब दल अपना नेतृत्व में पूरी निष्ठा रखते हैं और हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि हमें ऐसी ताकतों से लड़ना है जो अभी वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही थी अभी घोसी में उपचुनाव हो रहा है जिस व्यक्ति ने इस्तीफा दिया उसी को आपने टिकट दे दिया क्योंकि आपके पास कैंडिडेट भी नहीं मिल रहे हैं उसी व्यक्ति को अभी आप नैतिकता की बात करेंगी वही व्यक्ति आपकी मदद कर रहा है वहां पर जिसने आपके मुख्यमंत्री को इतनी गालियां दी इतने अपशब्द कहे कि भारतीय जनता पार्टी को शर्म से अपनी आंखें नीचे झुका लेनी चाहिए बहरहाल ये इनकी नैतिकता है महाराष्ट्र में इन्होंने क्या किया जनादेश का अपमान जहां बैठक हो रही है मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया किस पार्टी में थे कांग्रेस की बात ये कर रहे हैं ना तो आज भाजपा है कहाँ? भाजपा तो अन्य पार्टियों से आयातित नेताओं का एक समूह है और आपके एक प्रधानमंत्री हैं आप कहते हैं इस चेहरे पर चुनाव लड़ो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है मैं ये करेक्ट करना चाहती हूँ ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर ये स्पष्ट करिए कि क्या अखिलेश यादव प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं ब्रिजेश जी अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए गठबंधन और इंडिया के साथ तैयार है और इंडिया जीतेगा और इंडिया अपना प्रधानमंत्री चुनेगा क्योंकि बड़ी चुनौती है और ऐसी ताकतों को हटाना है जो हमारा संविधान बदलना चाहते हैं आज का जो डिक्लेरेशन है जो संसद सत्र के बारे में अनिल जी कह रही है कि स्पष्ट हो जाएगा ये इसी पूरी प्रक्रिया क्यों बुलाया जा रहा है ये तो अनिला जी बताएंगे ना अभी तो किसी को शायद कांग्रेस ने या किसी ने कहा कि हम लोग को कोई खबर भी आधिकारिक रूप से नहीं दी गई है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो okay, जो मेजर कॉम्प्लिकेशन आएगा वो है इंडिया अलायंस की यूपी में सीटों का बंटवारा क्या कोई फार्मूला बनाया आपने ब्रिजेश जी कोई कंफ्यूजन नहीं है कांग्रेस के साथ हम अलायंस में पहले भी रह चुके थे मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस को कोई भी व्यक्ति बोल दे कि सीट शेयरिंग में कोई शिकायत होगी बसपा के साथ भी हमने चुनाव लड़ा जिनके साथ अनिला जी पहले सरकार बना चुकी हैं रक्षाबंधन भी मना चुकी हैं और आज मायावती जी ने शायद कहा भी है कि हम इंडिया के साथ नहीं जाएंगे एनडीए के साथ तो उनका गढ़ कांग्रेस तो तो के पास एक सांसद दो विधायक आपने क्या दे सकती है आपके पास है ये मिल बैठकर बात आपके पास ऑफर क्या है कांग्रेस से बात हो जाएगी और सब कुछ समय पर स्पष्ट हो जाएगा इनकी तरह ये कि संसद सेशन बुला लिया मुद्दा क्या है ये पता है नहीं प्रवक्ता को भी नहीं पता तो बड़ी शोचनीय स्थिति है मतलब पर इनके पास हैं तो एक ही सांसद दो विधायक ये तो है ना दो पास परसेंट वोट बसपा के पास तो एक ही विधायक है ओके। जी, जी। तो, दो परसेंट वोट है ये, ये सब तो, बातें दिमाग में रहेंगी जब सब हाँ, बातें दिमाग में रहेंगी और ये बात सुरेंद्र को समझ में नहीं आ रही थी यही मैं बार बार इनको समझाना चाह रहा था